मध्य प्रदेश के बैतूल में खेतों में आग लगने से लाखों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की वजह से तकरीबन 60 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरी फसल जल चुकी थी। महेंद्र नामे किसान ने ठेके पर इस खेत को लिया था। फसल अच्छी हुई थी जिससे उसे मुनाफे की भी उम्मीद थी, लेकिन आग ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महेंद्र के मुताबिक आग की वजह से उसे तकरीबन 18 से 20 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं तहसीलदार और राजस्व विभाग के कर्मचारी आग से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंचे। वो 45 एकड़ में जमीन का नुकसान बता रहे हैं। राजस्व परिपत्र के अंतर्गत हम 6-4 के अंतर्गत प्रकरण तैयार करेंगे जो कि कलेक्टर महोदय के स्वीकृति के लिए जाएगा। ये रकबा अभी हमने जो मिलान किया नक्शे से और अपने खसरे से, तो करीबन 45 से 50 एकड़ रकबा की फसल जली पाई गई। एक और छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे।